क्रांति कुंजन में कर रहो करे कोकिला कसम साती जवानी कफन के और लिए। आज विरहा विधा नहीं रह गई है, वो नृत्य हो गया है। जी थोड़ा सा धोती का खूंट पकड़ करके एक तर्ज पर मटक दिए थे, हीरा जी उनको कमेटी से बाहर ने कह चिरैया मोरा अब देसवा कहा। यादव कवि से मेरी बात हो गई है, मनु से मेरी बात हुई है, परशुराम जी से भी हमारी बात करनी है, जो भी इस तरह के कलाकार हैं, हम लोग विरह एक धरोहर है, विरह को है नव को है बर मामी के रचे लालीला। कवि जो किसी कोई भी कलाकार गीत मांग दिया उसको दे देंगे, उनको कुछ पैसा चाहिए। उस समय बुल्लू यहाँ चमके हुए थे, बिहार में झिल्लू कुशवाहा चमके हुए थे। नमस्कार प्रणाम, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं सॉल ऑफ हिंदी। दोस्तों, बिरहा जगत के कलाकारों के इंटरव्यू के सफर में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे बीच एक बड़े ही वरिष्ठ कलाकार हैं बिरहा के, वो मौजूद हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। और आपको बता दें कि इस समय मैं मऊ ज़िले में उपस्थित हूँ। सारा कुछ इनसे हम जानेंगे, इनका परिचय भी इन्हीं के स्वर में आप लोगों को बताएंगे। ये तो बहुत बहुत सर स्वागत है आपका। हाँ सर, मैं मऊ ज़िले के सरवा गांव से बोल रहा हूँ और मेरा नाम मोहन अकेला कुशवाहा है। मैं एमए बीएड हूँ, हिंदी से हमने एमए किया है और 1970 से मैं बिरहा, जब बिरहा की पहली श्रेणी के कलाकारों में मैं कलाकार रहा हूँ। जब बिरहा शुरू हुई तो रामदेव जी, परमादले बुल्लू जी, हीरा जी, पहली श्रेणी के जो भी कलाकार थे, तो हम लोग शुरू किए थे उस समय। तो हम लोगों ने तीन पीढ़ी गाया है, अपने से बड़े कलाकारों से भी गाया है जो हमारे वरिष्ठ कलाकार थे, अपने समकक्ष जो कलाकार अपनी उम्र के कलाकार हैं उनसे भी गाए, और आज भी जो अपनी श्रेणी के छोटे कलाकार हैं तो उनसे भी आज गाना हो रहा है। तीन पीढ़ी से हम लोग गा रहे हैं। तीन पीढ़ी हो गई इनको बिरहा गाते हुए। अच्छा, बिरहा ही क्यों शुरुआत की, कोई कारण था क्या? वास्तव में रामदेव जी जो कलाकार थे हमारे अखाड़े के, मैं गुरु गणेश के अखाड़े से बिलोंग करता हूँ, उनके बड़े भाई की ससुराल मेरे गांव में थी और उनके यहाँ कोई तेरही का भोज था और उस समय हम हाई स्कूल में पढ़ रहे थे। अभी लाउडस्पीकर का ज़माना नहीं था, लाउडस्पीकर गाने में नहीं लगता था। रामदेव जी बिना लाउडस्पीकर के हमारे गांव में गा रहे थे। पिताजी हमको लेके गए कि चलो गाना हो रहा है, चलो सुनना है। वहां हम गए, रामदेव जी का हमने जब गाना सुना तो पिताजी ने कहा कि देख रहे हो बेटा कितना पैसा मिल रहा है और कितनी शोहरत इनको मिल रही है, तुम भी यदि गाना सीख लेते हो गाते बजाते तो तुमको भी शोहरत मिलती। और वहीं से मैं जो है बिरहा के प्रति, गाना तो मैं विद्यार्थी जीवन से ही प्राइमरी में पढ़ता था, तब से आवाज़ मेरी अच्छी थी, तब से लोग गवाते थे। और मैं पाँचवीं कक्षा में पढ़ता था तो उस समय गोरखपुर रीजन हमारा हुआ करता था, मैं रैली में लोकगीत में रीजन चैंपियन था उस समय। मैं लोकगीत में रैली में रीजन चैंपियन था, 67-65-66 की बात रही होगी। और सबसे बड़ी बात है कि उस समय इनके पिताजी जब बिरहा हुआ करता था उस समय लेकर जाया करते थे सुनने के लिए। अच्छा ये बताइए, अब के ज़माने में अगर कहीं नाच प्रोग्राम या बिरहा होगा तो कोई पिता अपने बेटे के साथ में लेके जा सकता है कि नहीं? लेके जाएगा, यही तो हमारा आरोप है कि उस समय जब बिरहा थी वो बिरहा थी, एक विधा थी, और आज विरहा विधा नहीं रह गई है, वो नृत्य हो गया है। विरहा में विरहा एक ऐसी जीवन शैली थी, ये हम लोगों का कल्चर था, हमारी संस्कृति थी विरहा, और विरहा से हम लोग समाज को कुछ शिक्षा देते थे, समाज को शिक्षा देते थे। और आज विरहा के कलाकार समाज में अश्लीलता परोस रहे हैं, ये बहुत बुरा लगता है। कोई संदेश विरहा के माध्यम से, कोई भी कलाकार मंच से नहीं दे रहा है कि कोई समाज को संदेश मिले, ये हम लोगों को बहुत क्षोभ है। आज अश्लीलता के अलावा, नृत्य के अलावा,
आज बिरहा तो बिरहा रही नहीं गई, केवल नृत्य हो गया है। जो भी कलाकार हैं सारे लोग नृत्य कर रहे हैं। रामदेव जी हमको पूरा याद है, रामदेव जी थोड़ा सा धोती का खूंट पकड़ करके एक तर्ज पर मटक दिए थे, हीरा जी उनको कमेटी से बाहर कर दिए, और हमारे यहाँ बलिया में आकर के बाला भैया के साथ उन्होंने 10-15 साल गाया। बनारस का कोई कलाकार रामदेव से गाने को तैयार नहीं था, हीरा ने बाउंड्री से लगा दिया था कि कोई गाएगा नहीं रामदेव से, क्योंकि नचनिया हो गया है। अच्छा। आज पूरा बिरहा समाज नचनिया हो गया है। तो आप लोग तो बड़े ही वरिष्ठ कलाकार हैं, तो इन सब चीज़ों को लेकर आपने आवाज़ उठाया कि नहीं? हमने आवाज़ इसको लेकर के आवाज़ उठाई है और हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। मंगल यादव कवि जी से मेरी बात हो गई है, मनु से मेरी बात हुई है, परशुराम जी से भी हमारी बात करनी है, जो भी इस तरह के कलाकार हैं। हम लोग बिरहा एक धरोहर है, बिरहा को बचाना चाहते हैं। नृत्य यहाँ हम लोग पसंद नहीं करते हैं। जो बिरहा वास्तव में बिरहा है वो विधा जो है आज कलाकार हम चाहते हैं कि वो कलाकार गाएँ। और एक चीज़ और मैं अपने कवियों से कहना चाहता हूँ, जो कवि हमारे गीत लिखते हैं, गीत तो मैं भी लिखता हूँ, विरहा का एक घराना हुआ करता है और उस घराने का कवि केवल उस घराने का ही कवि है और उस घराने के ही कलाकारों को अपना गीत देता है। और आज कवियों से मेरा निवेदन है, उनसे आग्रह है, उनको एक सुझाव है कि कोई भी कवि किसी भी घराने के कलाकार को गीत दे रहा है और वो गीत अपना छाप लगा करके, उसी कवि का छाप लगा करके, घराने का कोई मतलब ही ना है। आज घराने का कोई मतलब नहीं है, कोई कभी किसी भी घराने के कलाकार को गीत देकर के गवा दे रहा है, पैसे के लोभ में उनको पैसा चाहिए। तो ये कलाकारों पर भी मेरा आरोप है और कवियों पर भी आरोप है कि कभी अन्यत्र दूसरे घराने के दूसरे खाड़े के कलाकार को अपनी को गीत न दें, इससे घराने का अस्तित्व समाप्त हो रहा है। पहले के थे बाबा रतनलाल जी, हीरा भैया के कवि थे, मंगल यादव जी थे हीरा जी के कवि थे, सुखनंदन जी थे बुल्लू जी के कवि थे, रामदेव भैया के कवि चंद्रिका जी थे, ये क्या किसी दूसरे घराने के कलाकार को कोई अपना गीत देते थे क्या? एक घराने की पहचान हुआ करती थी। और आज घराने की पहचान, आजकल के कवि जो किसी कोई भी कलाकार गीत मांग दिया उसको दे देंगे, उनको कुछ पैसा चाहिए। अच्छा, रह गई अश्लीलता की बात तो, और मंच पर नृत्य की बात, तो कहा जाता है कि वो मांग हो गई है इस समय बिरहा का, जो परिवर्तन हो गया है। एक चीज बताएं आपसे, बिरहा का परिवर्तन नहीं है। पहले के कलाकार अपना गीत प्रस्तुत करते थे और समाज को प्रेरित करते थे कि मेरा गीत तुम सुनो, और आज के कलाकार जो पब्लिक चाह रही है वह कर रहे हैं। पहले के कलाकारों में, अब के कलाकारों में यही अंतर है। और कलाकार जो सीखता था, कलाकार जो चाहता था वह अपना गाता था और सारी पब्लिक झूम जाती थी, बैठ करके सुनती थी। आज भी कलाकार यदि गाना गाए, आज भी तमाम मन्नू यादव गाते हैं, परशुराम जी गाते हैं, आज जो भी पुराने कलाकार, विश्वनाथ भाई तो अब चूंकि पुराने जो है अस्वस्थ हो गए हैं, दुर्जन जी हैं, दीपक सिंह थे, सारे कलाकार, काशीनाथ यादव थे, मऊ में बेचन थे, हम लोग तो कभी नहीं नाचे, कभी डांस नहीं किए। तो जिसको डांस करना है उसको नौटंकी पार्टी खोल लेनी चाहिए, वो जाके नौटंकी पार्टी खोल करके अपना वो करें। बिरहा का नाम क्यों जो बेइज्जत कर रहे हैं कि हम बिरहा के कलाकार हैं और मंच पर जाके डांस कर रहे हैं। अच्छा, आप बिरहा के अलावा और भी कुछ, जैसे कि भोजपुरी में लोग गाते हैं लोकगीत वगैरह, ऐसा कुछ? भोजपुरी में लोकगीत भी हम लोग गाते हैं, बिरहा में ही एक विधा है वो लोकगीतों की, लोकगीतों का प्रचलन था और आज भी प्रचलन है। छोटे छोटे जो गीत गाए जाते हैं 5-7 मिनट के, तो लोकगीत भी हम लोग गाते हैं। जैसे आकाशवाणी से हमने गाया है, मऊ दूरदर्शन से भी गाया है, गोरखपुर आकाशवाणी से भी हमने गाया है। अच्छा, चलिए कोई गीत हो जो उस समय की जो आप लोग गाते थे, पुरानी हो, जो आज के लोगों के भी अंदर कुछ जागरूकता पैदा करे। अब पुरानी गीतों में तो एक देशभक्ति गीत बहुत पहले हम लोग गाया करते थे जी। अरे भव्य भारत देश मोरा, अरे जग में निराला,
अरे सोने के चिड़ैया मोरा अब देसवा कहाला, सोने के चिड़ैया मोरा अरे गंगा ओ जमुनवा की धार लाल कारे, अब गंगा ओ जमुनवा के धार लाल कारे, सागर दखिनवामी पौआ पखारे, अरे संतरी समान खड़ा उत्तर में हिमाला, अरे सोने के चिड़ैया मोरा अब देसवा कहाला, सोने के चिड़ैया मोरा। देखिए सोने के चिड़ैया मोरा देसवा कहाला, ये गीते हुआ करती थी पुराने जमाने में, आज भी ये गीते उतना ही चलती हैं, लेकिन लोग बोलते हैं कि अब नया युग हो गया है, नया जमाना हो गया है, नया गीते हो गई है, लेकिन ये भी गीते तो अभी चलती हैं ना। संतोष जी एक बात आपको बताएं, मंच का कलाकार जो भी परोसेगा उसको अपनी पूरी इक्विटी के साथ, पूरी काबिलियत के साथ, जो भी हम परोसते हैं समाज को, वो समाज मेरा चैलेंज है कि मैं कोई भी गीत गाऊंगा तो समाज उसको सुनेगा। अच्छा जी, पूरे अपने दमखम के साथ गाया जाए तो ये तो ओछी चीज है। आजकल जो अश्लीलता परोसी जा रही है भोजपुरी में, ये ओछी चीज एकदम है, ये हमारा कल्चर नहीं रहा है, ये पाश्चात्य सभ्यता की तरफ हम लोग जा रहे हैं। अब भोजपुरी माटी का गीत था, माटी से जुड़े गीत थे। हमारे पहले नकल फिल्मी दुनिया के लोग करते थे, जो उस समय भोजपुरी फिल्में बनी करती थी, वो हमारी नकल वो लोग किया करते थे, और आज हम उनकी नकल कर रहे हैं। बिरहा में जो गीत थी, माताएं बहनें जो गांव में गाती है, सोहर है, कजरी है, फाग है, चैता है, माताएं जो गीत गाती हैं, वो गीत हम लोग बिरहा में गाया करते थे, माटी से जुड़ी हुई गीत गाया करते थे, और आज हम लोग गीत कलाकारों की नकल करके और उनके गीत हम गाते हैं। नए नए गीत पैदा किए जाते थे, माताओं बहनों से पूछा जाता था, माता माई के गीत है, लड़का पैदा होता है सोहर कैसे गाई जाती है, बधैया कैसे गाई जाती है, बहुत सुंदर लगता था। गांव में हम लोग गाते थे माताओं के गीत, तो अब देखिए उस समय गाया जाता था, माताएं गाती हैं कि अरे काची पितरिया गई है नवा को हबर, इहे नवा को हबर मामी के रचे लालीलार, माटी के गीत थे, माटी से जुड़ के गाया जाता था। आज वो सारा विलुप्त हो गया, आज केवल जो है उन भोजपुरी कलाकार जो लोकगीत गाते हैं उनके पीछे भाग करके और अपनी हम निधि को खोते चले जा रहे हैं, और हमको अपनी निधि को बचाने की आवश्यकता है, और इस पर हम लोग काम कर रहे हैं, इस पर काम करेंगे हम लोग, अपने बिरहा को बचाएंगे हम लोग संकल्पित हैं, क्योंकि पढ़े लिखे कलाकार हैं, पूरे बिरहा जगत में बहुत कम कलाकार ऐसे होंगे जो MA BED होंगे। अच्छा, बहुत लोग हैं कहते हैं कि बिरहा पतन की ओर जा रहा है, सच में कि बिरहा खत्म हो जाएगा ऐसा लग रहा है क्या? बिरहा पतन की तरफ तो नहीं जा रहा है, बिरहा नहीं पतन की तरफ जा रहा है, एक डांस जा रहा है पतन की तरफ। जब एक कलाकार डांस कर लेगा तो फिर क्या करेगा वो? एक लेडीज यदि मंच पर जा करके डांस कर लिया रात में, तो रात भर डांस नहीं करेगी? और गाना तो ऐसा था कि नए नए गीत, नई नई तरजीह हम गाते थे, अपना करते थे, और जो डांस पे आधारित हो गया तो उनको तो केवल डांस करना है। आज भी गाना होता है, परशुराम जी का गाना सुनिए, मंगल जी का गाना सुनिए, मन्नू यादव का गाना सुनिए, जो कलाकार नहीं डांस करता है क्या उसके गीत लोग नहीं सुनते? रात भर उसके गीत सुनते हैं। देखिए भोजपुरी का जब नाम आता है तो बिरहा का भी नाम आता है उसमें, और बिरहा विधा जो है वो पूर्वांचल की एक विधा है, और उस विधा को ऐसे ऐसे जो पढ़े लिखे इतने शिक्षित लोग हैं जो आज तक इसको आगे बढ़ाते हुए आए हैं और आगे भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसमें लोग नए नए जुड़ रहे हैं और कुछ अश्लीलता की तरफ इसको ढकेला गया है, और यही कारण है कि लोग बोलते हैं कि बिरहा का पतन हो गया है और लोग नहीं सुनना चाहते हैं, ऐसे
बहुत सारे जो आईएएस पीसीएस रैंक के लोग, पढ़े लिखे लोग बिरहा को सुनते हैं। कई लोगों का फ़ोन भी आता है हमारे ऊपर जो बहुत रिटायरमेंट हो चुके हैं, किसी तो फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि नहीं ऐसे ऐसे कलाकारों का नाम भी बताते हैं कि उनका बिरहा हम सुनते हैं और आज भी सुनते हैं। कैंट रेलवे स्टेशन के सामने मेरा और बुल्लू भैया का गाना हो रहा था और विद्यापीठ यूनिवर्सिटी जो आज है, विद्यापीठ के कम से कम 200 प्रोफेसर बैठ करके और सवेरे तक 5 बजे भोर तक लोग गाना सुन रहे थे। और गाना सुनने के बाद हम जब मंच से उतरे तो उन लोगों ने बुलाया और कहा कि बेटा आप तो बहुत अच्छा गा लेते हो, कहाँ के रहने वाले हो? हमने कहा सर मऊ के रहने वाले हैं। कहाँ तक पढ़े हो? हमने कहा कि एमए हमने किया है, बीएड भी किया है। कहा कि तुम्हारी वाणी से झलकता है कि तुम पढ़े लिखे कलाकार हो और जितना तुमने गाया है बहुत ही सुंदर लगा है। और एक बात और बता दें, कहना तो नहीं चाहिए, मैं कुशवाहा बिरादरी का हूँ, मौर्य वंश का हूँ और मौर्य वंश में खोजे कलाकार नहीं मिलेगा बिरहा का। आते थे लोग बिहार से, हमसे पूछते थे मार साहब किस बिरादरी के हैं आप? भाई हम तो कुशवाहा हैं, मोहन अकेला कुशवाहा लिखते हैं। लोग कहते थे अरे भाई ये कुशवाहा बिरादरी बिरहा गा रही है, कुशवाहा हम तो जानते थे कि यादव ही भी वो बिरहा गाते हैं, आप कुशवाहाओं की बिरहा गाते हैं। हमने कहा सर ये विधा है और ये एक टैलेंट है, ये किसी एक जाति का नहीं है, ये सबका है। जो जिसमें प्रवेश करेगा, जैसे बिहार में जब बुल्लू भैया थे, अरे यहाँ यूपी में बुल्लू जी थे तो बिहार में झिल्लू जी थे, झिल्लू कुशवाहा थे बिहार में। जिस समय बुल्लू यहाँ चमके हुए थे बिहार में झिल्लू कुशवाहा चमके हुए थे। कुशवाहा में कभी भी बहुत अच्छे अच्छे हुए। तो ये विधा किसी एक की नहीं है, सारे देश के नागरिक हैं, जो भी भोजपुरी क्षेत्र के हैं ये सारे लोगों की विधा है, सारे लोग इसको पसंद करते हैं। और मैं निवेदन यही करूंगा बिरहा के कलाकारों से कि भैया अपने बिरहा को बचा लो, तुम बिरहा को डुबो मत। बिरहा डांस नहीं है, बिरहा साहित्य है, एक बिरहा साहित्य है, एक बिरहा कल्चर हमारी है। जो घर आंगन में माताएं बहनों के साथ बैठ करके बिरहा का कैसेट बजता था हम लोग सुनते थे और आज बिरहा निकल करके ट्रक में चली गई और बस में चली गई। आज को बिरहा यूट्यूब पर तमाम गीत आते हैं लेकिन उनको सुनने में शर्म लगती है, देखने में शर्म लगती है, अपने बच्चे के साथ अपने बच्ची के साथ उसको हम नहीं देख सकते। तो निवेदन हमारा जितने बिरहा के कलाकार हैं, छोटे बड़े जो भी कलाकार हैं, मैं सबसे यही निवेदन करूंगा कि अपने बिरहा को आप बचाओ। ये धरोहर है बाप दादाओं की। क्या बुल्लू जी ने, रामदेव जी ने, हीरा जी ने यही सपना देखा था कि हमारे जाने के बाद मेरी बिरहा यहाँ चली जाएगी और आने वाली पीढ़ी ये करेगी बिरहा के साथ? तो आप बिरहा के साथ मजाक न करें, बिरहा को बिरहा ही रहने दें, बिरहा को डांस मत बनाएं, बिरहा को नृत्य मत बनाएं। चलिए हम चाहेंगे कि एक कोई भूमिका आप सुनाएं। अच्छा वीर रस वगैरह के भी आप वीर, क्योंकि अलग अलग जो बिरहा के लोग हैं अलग अलग पहचान है उनकी, कि जैसे रामदेव जी, स्वर्गीय रामदेव जी हैं तो वो वीर रस के कोई है। मैं देखें, मैं करुण रस का कलाकार था। अच्छा। और यहाँ से बनारस तक हम लोग जो भी गाते थे करुण रस में चर्चा थी कि मोहन अकेला का करुण रस बहुत। बुल्लू भैया ने नीची बाग में एक बार बुल्लू भैया से गाना हमारा हो रहा था, गाना खत्म होने के बाद सवेरे जब सील्ड लेने की बात आई तो कमेटी ने सील्ड हमको देना शुरू किया तो हमने सील्ड उठा करके और जो बुल्लू भैया की गोद में डाल दिया। उन्होंने कहा कि बेटा हम तो जानते थे कि हमारे मरने के बाद कोई करुण रस यहाँ पैदा गाने वाला बनारस में नहीं होगा, लेकिन अकेला तुम करुण रस बहुत बढ़िया गा लेते हो। तो चलिए करुण रस, वैसे वीर रस में हम गाते थे, करुण रस पहले सुनिए। अब करुण रस में गीत तो अब लाइनें होंगी, एक छंद मैं वीर रस का आपको सुनाता हूँ। क्रांति कुंजन में कर रहो करे कोकिला, कसम साती जवानी कफन के लिए, मर मिटेंगे हटेंगे न पीछे कभी, उलट देंगे जन्नत वतन के लिए, घुसा घोसले में मेरे गोरखा जो, उसे निज वतन से भगा कर रहेंगे, इनकलाब गोली गगन चूम लेगी, हवाओं को आंधी बना कर रहेंगे। एक छंद लिखे थे केशव कभी, मुखरित मारतंड मुग्ध मधुपन में मधुकर, मस्त मृग मारुत मयूर मगन मालती,
मही मंदसान मेघ मंडल मनोज मले मधु मधुदीप मंद मंद मगन मालती माधव महेश मृगराज मेघ मंदर मदन मयंक मुख मोर मगन मालती मालती मुकेश मेदनी मारुत मृदुला मतवाली मैना मरोड़ मगन मालती। इस छंद का नाम बिरहा जगत के लोग नहीं जानते कि कौन सा छंद है। तो ऐसे गीते होती थी जो इन्होंने गाया और बड़े दमदारी के साथ, और ऐसे ऐसे कलाकार हैं आज भी धरती पर, और इनको देखकर आज बड़ा ही फक्र हो रहा है कि मैं एक ऐसे बिरहा कलाकार का। और उम्र मेरी जानते हैं, 71 साल मेरी उम्र हो चुकी है, 71वें में मैं प्रवेश कर गया हूँ। देखिए 71 साल की उम्र में भी आज जो है कि 20 साल के लड़के इतना जोर है बिरहा को लेकर। अभी कार्यक्रम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, गाय बजाया जा रहा है, सबके साथ गाय बजाया जा रहा है, कोई कलाकार नहीं जिससे गाना ना हुआ हो। अब उस समय भी चाहे हैदर अली जुगनू रहे हों, लाल जी रहरी रहे हों, कैलाश जी रहे हों, या बिहार में रामोज जी रहे हों, गोरखपुर के जगन्नाथ जी रहे हों, अब उस समय की पीढ़ी में अपने जो कलाकार थे तो उनसे हम लोग भरपट गाते थे। एक गीत माँ के ऊपर इस समय मैं गा रहा हूँ, संतोष यादव कवि हमारे जो कवि हैं संतोष यादव, गीत तो ऐसे मैं भी लिखता हूँ लेकिन संतोष जी का लिखा हुआ गीत है, दिल को छूता है। अरे स्वर्ग कसीढ़ी माई बाबू के चरणवा, स्वर्ग कसीढ़ी माई बाबू के चरणवा, अरे दूसर देवी देवता ना जहनवा में, स्वर्ग कसीढ़ी माई अरे बाबू के चरणवा, दूसर देवी देवता ना जहनवा में, अरे हो के जवान जननी के गरिया वेल, हो के जवान जननी के गरिया वेल, अरे सुनवा क मुकुट नकली माई के चढ़ावेला, अब असली मतारी के ना पूछला भोजनवा, असली मतारी के ना पूछला भोजनवा, अरे दूसर देवी देवता ना जहनवा में। बहुत बढ़िया गीत उन्होंने गाई, करुण रस की भी माँ के ऊपर वो गीत थी। तो आज हमारे बीच थे इसी संदर्भ में, जो बिरहा के कलाकारों का इंटरव्यू मैं कर रहा हूं तो इसी संदर्भ में बिरहा के वरिष्ठ कलाकार मोहन अकेला कुशवाहा जी। तो इस समय मैं था मऊ की धरती पर और इनसे बात हुई, और इनके विचार आपको कैसे लगे हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताते रहें और हमें सपोर्ट करते रहें ऐसे ऐसे। और मैं ऐसे ऐसे वरिष्ठ कलाकारों का जिनको आप पहले मंच के माध्यम से सुने होंगे, YouTube के माध्यम से सुनते होंगे, उनका मैं इंटरव्यू लेकर आता रहूँगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।